मैं डॉक्टर उमर खान पशु चिकित्सा अधिकारी से मेरा प्रमोशन हुआ, अब खुद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ, जसराना फिरोजाबाद में हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि थनैला रोग ना हो जाए तो बहुत सारे प्रयास ना हो। थनैला रोग होने का कारण है गलत तरीके से दूध को निकालना। ये जो तरीका है, ये जो अंगूठा है, जिस अंगूठे को आप ऐसे लगा के दूध निकालते हो, 10% थनैला इसी वजह से होता है। ऐसा दूध नहीं निकालना चाहिए। ये है, ये रॉन्ग मेथड है। आपको दूध ऐसे निकालना, मुट्ठी बांध के, ये जो आपकी हड्डी है, ये जब हड्डी के थन में छिद जाती है, धीरे धीरे वो ब्लड सप्लाई रुक जाती है और सूजन बन जाती है। थनैले का पहला कारण, सही तरीके से दूध निकालना चाहिए, थनैला नहीं होगा। दूसरा कारण है लवारे को झटके से आप खींचते हैं, उसका दांत लग जाता है, लवारे को प्यार से खींचना चाहिए। तीसरा कारण है दूध निकालने के बाद तुरंत भैंस को बिठा देते हैं आप, 10 से 15 मिनट तक भैंस को नहीं बैठना चाहिए। जिन छेदों से दूध निकलता है उसका नाम है टीट ओरिफिस। वो छेद है जिससे दूध निकल के आता है, वो 10 से 15 20 सेकंड तक खुला रहता है। जब वो एकदम बिठा देते हो, पानी डाल दे, तो वहां से उसके अंदर से क्या चला जाता है, इन्फेक्शन चला जाता है, वही थनैले का कारण होता है। तो आपको ये भी प्रिकॉशन रखना है, ये भी सावधानी रखनी है कि हम ऐसी जगह पशु को बांधे जो पशु सूखी जगह हो, पानी ना हो, गंदगी नहीं हो, और उसको हम दूध निकालती बैठने ना दें। तीसरा कारण है आपको पशु को जो ब्याता है, पशु ब्याने के बाद उसका दूध बहुत देर बाद निकालते हो, जब तक भैंस जेल नहीं डालती, ये भी थनैले का बहुत बड़ा कारण है। आपको समय से दूध को निकाल देना चाहिए, बच्चे को पिला देना चाहिए। और ये अगर तीसरा, अगर थनैला ठीक क्यों नहीं होता, आज मैं बता के जा रहा हूं इस गोष्ठी के माध्यम से, आज के बाद थनैला होगा नहीं, होगा तो ठीक आप खुद कर लो। पूछना चाहोगे नहीं, अगर आपने नए जूते पहने और नए जूते पहनने के बाद क्या बनती है, ठेक, ठेरी बोलते हो, और ठेक को काटने पहुंच जाओ तो क्या होता है, उसमें कुछ निकलता है, उसमें कुछ नहीं निकलता, नहीं दर्द होता, नहीं खून निकलता, नहीं दर्द होता। इसका मतलब वो हिस्सा हमारे हिस्से से दूर हो गया, मतलब गांठ के अंदर ना तो खून जाता। तो अगर मेरे पैर में दर्द है और दवा यहां लगाई जाती है, तो यहां की दवा पैर का दर्द कैसे बंद कर देती है, बता सकता है कोई? नहीं बता पाओगे। जब यहां दवा लगाई तो यहां से दवा कैसे आ गई, खून के द्वारा दवा यहां से यहां आती है, दवा खून में मिलती है, यहां से लगाई तो यहां आ जाती है। तो जब आपकी भैंस को थनैला हो गया और थनैला होने के बाद थन के अंदर गांठ बन गई, आप 1,000 रुपए का इंजेक्शन लगवा रहे हो, वो इंजेक्शन किसी काम ना आ सकेगा, क्योंकि दवा उस 1,000 रुपए का इंजेक्शन उसके अंदर घुसेगा नहीं, पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो गांठ बन गई और गांठ के अंदर खून पहुंचेगा नहीं, और जो दवा जाएगी वो खून के माध्यम से जाएगी, इसलिए उस इंजेक्शन को लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, आपका आर्थिक नुकसान होगा। अब अगर किसी भैंस के थन में खून आ जाता है, दूध में खून आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो आपको समय थनैले में आपको पहले के 6 घंटे अगर इलाज कराओगे तो थनैला हो ही नहीं सकता। थनैला तब होता है, थनैला तब ठीक नहीं होता जब 24 से 36 घंटे के बाद आप काम कराते हो, जब उसमें गांठ बन चुकी होती है। तो आपको चाहिए कि अगर किसी भैंस के को थनैले होने की संभावना, थनैला कहते किसको है, अचानक दूध का चला जाना, दूध में छींचे आ जाना, दूध में खून आ जाना, दूध में पस आ जाना, या फिर किसी थन पे सूजन का हो जाना, गर्म हो जाना, लाल हो जाना, अगर ऐसा किसी को दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि ये थनैले में चपेट में आ चुका है। यही प्रारंभिक अवस्था है थनैले की, और अगर थनैले को आपने समय से पहचान लिया तो उसका बहुत ही आसान इलाज है। जो आपके पास गोली आती है मॉक्स के नाम से कैप्सूल आते हैं, एमओएक्स मॉक्स एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन का 3 से 5 रुपए का कैप्सूल मिलता है, 5 कैप्सूल सुबह 5 कैप्सूल शाम खिलाओगे, वो प्रारंभिक अवस्था में उसी एंटीबायोटिक से वो थनैला ठीक हो जाएगा, आपको कोई भी इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हल्दी 50-50 ग्राम हल्दी खिलाओगे, हल्दी में भी एंटीबायोटिक होती है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।